जो सीवर खुले पड़े आज धीरे धीरे होगा, एक दिन में होगा सब, एक दिन धीरे 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 ही होगा। करो ना तो कर रहे हैं, हम भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, आज हमारी जरूरत नहीं पड़ती तो कर, तो कर ना, कर ये भी देख, कर ये भी कब करोगे। केजरीवाल वो व्यक्ति है जिसने अपनी झाड़ू स्वास्तिक पे मारा। हिंदू धर्म के सबसे बड़े प्रतीक केजरीवाल ताहिर हुसैन जैसे पार्षद से दंगे करवाता है दिल्ली में। वो उस समय पे करवाता है जब पूरी दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में होते हैं। मुल्ला मुल्ला होता है, मुल्ला क्या होता? सब जानते हैं क्या होता है, आपको भी पता है, मुझे डिफाइन मत करवाओ। ये केजरीवाल इसके मंत्री जिन्हें डायमंड कहता था वो तो शराब मंत्री है सिसोदिया। पद्म विभूषण देने को ऐसे बंदे की बात करी सत्येंद्र जैन जिसका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ, उसे स्वास्थ्य मंत्री बना रखा है और रेपिस्ट उनकी मसाज कर रहा है, कोई थेरेपिस्ट नहीं कर रहा सर। अब ये लोग जांच का विषय बन गया है कि वो रेप हो रहा है या थेरेपी हो रही है। दिल्ली की तिहाड़ जेल को इन्होंने सिंगापुर बना दिया है। सारे रेपिस्ट तिहाड़ जेल में बंद हैं, उनमें से 100 से 500 निकाल करके अरविंद केजरीवाल के घर सुबह भेज दिए जाएं जिससे उनकी मालिश वालिश बढ़िया है, ये रेपिस्ट बेटियों के कर दे। अरविंद केजरीवाल और उनके समेत 62 आम आदमी पार्टी के विधायकों को ये रेपिस्ट मिल जाए और उनकी सेवा में बढ़िया हाथ पैर मसाज करे तो ये सुबह उठ करके दिल्ली की बेहतर सेवा कर सकते हैं। ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार की आंधी में डूबा हुआ, कीचड़ में डूबा हुआ केजरीवाल आज दिल्ली के लिए एक बदबूदार गंध बन चुका है। उनके नेता पे शराब का आरोप लगा, वो जाके राजघाट पे 3 बार मत्था फोड़ा। आज एक हमारी श्रद्धा बहन को, हमारी बहन को, हाँ हिंदू बहन को, हिंदू बहन को 7-35 टुकड़े हुए तो केजरीवाल उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे? ये हिंदू मुसलमान कर रहे कि नहीं? और कोई मौलाना फतवा जारी क्यों नहीं कर रहा है? मुझे ये बताओ। कमल का फूल होता है उस पे माता लक्ष्मी बैठती है, उसका अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और केजरीवाल वो व्यक्ति है जो कहते थे गुजरात जाके, जो द्वारकाधीश है वहां जाके इन्होंने कहा अब सुदर्शन नहीं झाड़ू चलेगा। बताओ सुदर्शन चक्र का जिसने अपमान किया, भगवान कृष्ण का जिसने अपमान किया, गुजरात के लोग भी नकारेंगे, दिल्ली में भी धार्मिक लोग रहते हैं वो भी केजरीवाल को नकारेंगे। केजरीवाल वो व्यक्ति है जिसने अपनी झाड़ू स्वास्तिक पे मारा, हिंदू धर्म के सबसे बड़े प्रतीक स्वास्तिक पे झाड़ू मारा केजरीवाल ने, पोस्ट डाला है। केजरीवाल ताहिर हुसैन जैसे पार्षद से दंगे करवाता है दिल्ली में। वो उस समय पे करवाता है जब पूरी दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में होते हैं। ये एक साजिशन करवाता है कि देश का नाम बदनाम हो, क्योंकि केजरीवाल वो व्यक्ति है जो राजपथ पे खुद धरने पे बैठ गया था मुख्यमंत्री होते हुए। केजरीवाल वो व्यक्ति है जब बाटला हाउस गया था तो बाटला हाउस एनकाउंटर फेक बताया था, उसने कहा था हम मैनिफेस्टो में डालेंगे, और मोहनचंद शर्मा की शहादत को भी चैलेंज किया था। ये केजरीवाल एक नंबर का उर्बन नक्सल है। ये केजरीवाल इसके मंत्री जिन्हें डायमंड कहता था वो तो शराब मंत्री है सिसोदिया। पद्म विभूषण देने को ऐसे बंदे की बात करी सत्येंद्र जैन जिसका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ, उसे स्वास्थ्य मंत्री बना रखा है, जेल मंत्री होते हुए जेल में मसाज करवा रहे हैं, उनसे मंत्री पद नहीं छीना जा रहा, और रेपिस्ट उनकी मसाज कर रहा है, कोई थेरेपिस्ट नहीं कर रहा सर। रेपिस्ट रवि जो पॉस्को कानून के तहत जेल में सजा भुगत रहा है वो सत्येंद्र जैन की मसाज कर रहा है। अब ये लोग जाँच का विषय बन गया है कि वो रेप हो रहा है या थेरेपी हो रही है, ये तो अब जांच का विषय हो गया। और दिल्ली की तिहाड़ जेल को इन्होंने सिंगापुर बना दिया है। तिहाड़ जेल में सिंगापुर मॉडल, आम आदमी पार्टी का बैंकॉक सर कह रहे, पटाया बैंकॉक सब बना दिया है। तो अभी तो लड़के वाला एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ये वाला अब कुछ और भी चल सकता है, ऐसा चांसेस हैं। तो अब ये जांच का विषय है, सत्येंद्र जैन का अगवाड़ा पिछवाड़ा मेडिकल करवा के जांच करना चाहिए, वो बच गए या उनपे भी पॉस्को वाला मामला कुछ है। ठीक है सर, ये बताइए जिस तरीके से 8 सालों में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में काम किया, वो बता रहे हैं कि उनकी कामयाब सरकार रही है, लोगों को फ्री में सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है जो एमसीडी है, एमसीडी बीजेपी के हाथ से इस बार निकलेगी या फिर बीजेपी के हाथ में आएगी दोबारा? एमसीडी जहां है वहीं पर रहने वाली है, कहीं जाने वाली नहीं है। पिछले 8 सालों में देखें तो ना किसी गली में कोई फैक्ट्री बनते हुए देखा आपने, ना किसी गली में शॉपिंग मॉल बनते देखा, ना कोई सड़क चमचमाते हुए देखा आपने, ना किसी तरीके का ऐसा कोई इन्वायरमेंट या ऐसा कोई डेवलपमेंट जिससे दिल्ली को गौरवान्वित होने की कोई ज़रूरत किसी को महसूस होती हो। हाँ इतना ज़रूर हुआ है कि हर साल जो 700-800-500 के रेप होते थे वो 2000 को पार करने लगे हैं, और दिल्ली का एक कैबिनेट मिनिस्टर जेल मंत्री तिहाड़ जेल में बैठ करके दिल्ली के बेटियों का जो रेपिस्ट है
उससे मसाज करवा रहा है। तो मैं दिल्ली की जनता को एक छोटा सा सुझाव देना चाहूँगा, हम सब दिल्ली के लोग हमें फ्री की बिजली देने वाले अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और उनके विधायकों का स्वास्थ्य बढ़िया रहे, हेल्थ सुविधाएं बढ़िया रहे। दिल्ली में हर साल 2000 बेटियों का रेप होता है, ये सारे रेपिस्ट तिहाड़ जेल में बंद हैं, उनमें से 100 से 500 निकाल करके अरविंद केजरीवाल के घर सुबह भेज दिए जाए, जिससे उनकी मालिश वालिश बढ़िया ये रेपिस्ट बेटियों के कर दे, उसके बाद उनके मनीष सिसोदिया जी का बढ़िया से मसाज करवाएं, और उसके बाद बाकी गोपाल राय और बहुत सारे गौतम जी हैं ऐसे तमाम विधायकों का जम करके इन रेपिस्टों से मसाज करवाएं, और अपने आम आदमी पार्टी के दिलेर और ईमानदार कट्टर ईमानदार नेताओं की बढ़िया सेवा दिल्ली वासी प्रदान करें अपने टैक्स के पैसे से इन तिहाड़ के जेलों में बंद। वैसे जी जो कैदी है ना, कोई काम तो करते नहीं, देश के लिए कोई उपयोगिता तो इनकी है नहीं, ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल और उनके समेत 62 आम आदमी पार्टी के विधायकों को ये रेपिस्ट मिल जाए और उनकी सेवा में बढ़िया हाथ पैर मसाज करे, तो ये सुबह उठ करके दिल्ली की बेहतर सेवा कर सकते हैं। ऐसी दिल्ली बनाने का काम केजरीवाल का है, ऐसा परिवेश देने का काम केजरीवाल का है। ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार की आंधी में डूबा हुआ, कीचड़ में डूबा हुआ केजरीवाल आज दिल्ली के लिए एक बदबूदार गंध बन चुका है, इससे मुक्त पाया नहीं गया। अगर जल्द में कहां पे बदबू आ रही है पूरे दिल्ली में, कौन सी ऐसी जगह है जहां बदबू नहीं आ रही, मुझे बताएं आप। यमुना में बदबू आ रही है कि नहीं, यमुना किसके कंट्रोल में, चलो बता दो एक चीज मुझे बताओ ना, यमुना किसके कंट्रोल में मुझे बताओ, कोई एक ऐसा रोड बताओ दिल्ली में। आपको शर्म नहीं आती, आप डिफेंड कर रहे हैं उसको, डिफेंड कर रहे हैं जिसका मंत्री जेल में रेपिस्टों के साथ मसाज करवा रहा है, और वो खुद जवाब देता है, वो खुद जवाब देता है, वो तड़ीपार छोड़ो, वो कांग्रेस के षड्यंत्रों गोधरा के हत्याकांडों का परिणाम है, जो कांग्रेस का देन है, कांग्रेस की देन है। गोधरा हत्याकांड में किसी मुल्ले की बस की इतनी दम नहीं थी कि वो मुल्ले की इतनी दम नहीं थी कि 56 लोगों को जला करके मार दे, वो जला के मुल्ला होता है, सब जानते हैं क्या होता है, आपको भी पता है, मुझे डिफाइन मत करवाओ। ये किसी के बूते की बस की बात नहीं थी कि 56 लोगों को जला दे। कौन सा स्कूल मुझे बताइए, सारे दिल्ली के स्कूल, कौन सा स्कूल मुझे बताइए। मोहल्ला क्लिनिक वहां खोली गई है जहां शहर का कचरा घर है, एक अनपढ़ गंवार आतंकवादी भी ऐसी हरकतें नहीं करता, पांच गांव गिना दो, मोहल्ला क्लिनिक ले जाके दवाई, हॉस्पिटल, स्कूल, भ्रष्टाचार फ्री स्कूल के टीचरों को जाकर के इंटरनेशनल ट्रेनिंग देना, दिल्ली में और काम कितने किनारे से रह गए हैं, तीन तो काम गिना नहीं पाए। भ्रष्टाचार क्या बोला, भ्रष्टाचार आप वीडियो देखे कल का, आप कौन सा आम आदमी पार्टी का नहीं देखा है, कोई सा कोई वीडियो नहीं, 80 लाख रुपए में टिकट बेच रहे हैं, कहां और कौन सा पार्टी टिकट नहीं बेचता है, कौन सी पार्टी टिकट, भ्रष्टाचार मुक्त कहां से बोल दिए आप, भ्रष्टाचार मुक्त है, मतलब कोई भी पार्टी बेचती तो मतलब ये तो बीजेपी को कांग्रेस को कोस कोस के आए थे कि हम केजरीवाल कोसते थे ना कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अलग है, हम आम आदमी है, उन्हीं की राह पे क्यों चल रहे हो कांग्रेस की, बताओ कुछ भी कुछ भी। अभी तो आप ही ने कहा ना कि सब पार्टी टिकट बेचती वो भी बेच रहे, मतलब सब जो करेंगे वही वो करेंगे, वो बेचे नहीं है, आप ही ने तो कहा भी सबसे पहले कि आम आदमी पार्टी के सारे नेता क्वालिफाइड होते हैं, लोग ऐसे गुंडों को टिकट नहीं देते हैं, और बताइए झूठा इल्जाम, सपोर्टर है या नहीं है केजरीवाल, रेपिस्ट सपोर्टर है या नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, अच्छा है केजरीवाल रेपिस्ट सपोर्टर है, और दिन भर बीजेपी के पार्टी में जो यहाँ पर उन्नाव में या दादरी में जो कांड हुआ था, मुझे जगह का नाम याद नहीं आ रहा, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ रातों रात पूरा उसका लड़की का बॉडी ही बिना परमिशन के ये करवा दिए, अब क्या बोले कि योगी आदित्यनाथ रेपी सपोर्टर है, मामला देखो उस मामले के जितने भी आरोपी थे जो कहते हो आपने, सुनो अच्छा चलो वो पूरा भाई उसके जवाब देने दो, पहले बात बोलोगे तो फिर मैं भी बोलूंगा ना, आपकी बात समझ में आएगी ना मेरी, देखो यूपी में जो आप बात बता रहे हो
उस बात की पहले पूरी तह तक जाओ, बिना जानकारी के मत उड़ो। तह बता रहा हूँ, तह बता रहा हूँ। देखो हेलो, वो जो आरोपी था उसका नाम क्या था पता? उसका नाम क्या था? मैं बता रहा हूँ, उसका नाम शाहरुख था। शाहरुख था। शाहरुख को जब क्या कहते जेल में भेजा गया तो क्या कहते देवबंद से मौलाना ने फतवा जारी कर दिया कि हिंदू मुसलमान योगी कर रहे, उसके घर पे बुलडोजर चलवा रहे। मतलब उसके उसने गलत किया, उसके घर पे बुलडोजर चल रहा है तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। लास्ट रात रात क्यों जलवाया? किसने? उसे शाहरुख ने जलाया, शाहरुख का घर वालों ने जलाया था। अरे नहीं, पुलिस जा करके मीडिया का एंट्री बंद था, तालिबान जी तरीके से बना दिया। अच्छा, दिल्ली पे, दिल्ली पे आइए, दिल्ली पे आइए, दिल्ली पे आइए। आप दिल्ली पे आइए, मेरी बात करो, वहाँ पर जाइए। श्रद्धा को, श्रद्धा को उसका, उसको फांसी से भी बुरा सजा होना चाहिए। केजरीवाल क्यों उसका विरोध करने नहीं आए? राजघाट क्यों नहीं गया? मत्था क्यों नहीं फोड़ा जाके राजघाट पे? इसका जवाब चाहिए। उनके नेता पे शराब का आरोप लगा, वो जाके राजघाट पे तीन बार मत्था फोड़ा। आज एक हमारी श्रद्धा बहन को, हमारी बहन को, हाँ हिंदू बहन को, हिंदू बहन को साथ 35 टुकड़े हुए, तो केजरीवाल उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे? ये हिंदू मुसलमान कर रहे कि नहीं? और कोई मौलाना फतवा जारी क्यों नहीं कर रहा है, मुझे ये बताओ। कमेंट कर रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली दिक्कत है, वो तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम है। और ये बताओ, सीवर के जो ढक्कन खुले, जो लोग उसमें गिर के हमारे बच्चे मर रहे हैं, वो सीवर के ढक्कन दिल्ली जल बोर्ड के अंदर आता ना, वो कब बंद होगा दिल्ली का जो सीवर खुले पड़े? आज धीरे धीरे होगा, एक दिन में होगा सब, एक दिन में धीरे धीरे ही होगा। करो ना, तो कर रहे हैं। हम भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। आज हमारी जरूरत नहीं पड़ती तो कर, तो कर ना, कर ये भी देख, कर ये भी देख। कब करोगे? कब करोगे? कहां पे कब करोगे? तू कर ले। यमुना साफ कब होगी? चल मेरे साथ, देखो तू मुंह नहीं।